अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MR रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमने टाइम टू टाइम मुस्लिम हाउसिंग सेक्टर्स का रावलपिंडी संभाग में आपको विजिट करवाया। टाइम टू टाइम मैंने आपको फैसल हिल्स का भी विजिट करवाता रहा हूँ। आज फैसल हिल्स का आपको दोबारा विजिट कराऊंगा। जो हमारे न्यू व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उसको इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा अपडेट करूं। तो मेन GT रोड के ऊपर इसकी एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं। इसका मेन GT रोड है जो टूवर्ड आगे टेक्सला, देन आपका पिशावर, और जो अपोजिट साइड पे जा रही है ये आप देख सकते हैं ट्रेन भी जो यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। ये आप जो अपोजिट साइड पे ट्रैफिक है वो आपका इस टूवर्ड इस्लामाबाद और देन रावलपिंडी और आगे आपकी जो GT रोड लाहौर की तरफ है वो मूव कर रही है। तो ये फैसल हिल्स का आज आपको विजिट करवाते हैं हम, क्योंकि तकरीबन 3-4 महीने बाद आपको ले के आ रहे हैं फैसल हिल्स में। बहुत सी डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई वो भी आपको बताते हैं, जो नई चीज़ें यहाँ पे आई हैं वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो देखें जी इसका गेट फैसल हिल्स का, यहाँ से हम फैसल हिल्स को जो है वो एंटर हो जाएंगे। आगे इसका मेन बुलेवार्ड फैसल एवेन्यू जिसको बोला जाता है वो आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। विजिट करवाने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो हमारी वीडियोस हैं वो इजीली आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ साथ अगर आप अपने घरों की कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त बहरिया टाउन फेज 8 और मीडिया टाउन रावलपिंडी में जो है वो ऑन गोइंग है। अगर आपने हमारे प्रोजेक्ट्स की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो वापस आते हैं फैसल हिल्स की तरफ। ये फैसल हिल्स का मेन बुलेवार्ड है, मेरे लेफ्ट साइड पे अगर भाई आपको दिखाएं तो ये इसका क्रिकेट स्टेडियम जो छोटा सा प्ले एरिया आ गया, दो पिच बनी हुई है, साथ इसका छोटा सा एक पार्क है वो है। जबकि मेरे लेफ्ट साइड पे ये आगे दूसरा जो आप ये पिन बॉक्स वगैरह देख सकते हैं, ये फैसल ज्वेलर्स आ रहा है जिसको फैसल हिल्स जो है वो ऑन कर रही है। तो ये फैसल हिल्स का ही एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। इसके साथ साथ अगर राइट साइड पे भाई आ जाए तो ये फैसल मैंसियन है जो फैसल टाउन का, फैसल हिल्स का जो हेड ऑफिस वगैरह है वो आपका यहाँ पे है। आपकी तमाम इस फैसल हिल्स की जो ट्रांसफर्स हैं और जो सोसाइटी के जो भी मामलात हैं वो आपके यहाँ पे फैसल मैंसियन में जो है वो हैंडल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये इसका मेन बुलेवार्ड है, दोनों साइडों पे जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। आप देख सकते हैं राइट साइड पे 2-3 प्लाजे जो है वो, एक ये बन चुका है, इसके साथ वाला कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसके साथ अगर आप फ्रंट पे आ जाएं तो ये अगर आप भाई आपको दिखाएं तो ये यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी आप देख सकते हैं वो यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ जो है वो यहाँ पे चल रही है। जबकि राइट साइड पे अगर आपको भाई लेके चले जाएं तो जी वो जिस तरह मैं आपको उसका कमर्शियल एक्टिविटी दिखा के ला रहा हूँ, अभी जो मेरे राइट साइड पे अगर भाई दिखाएं तो जामिया मस्जिद फातिमा तो ज़हरा वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो फुली जो है बनी हुई है यहाँ पे, अभी नमाज वगैरह यहाँ पे हुई है। इसके साथ ही अगर भाई आपको थोड़ा सा आगे होकर दिखा दें तो जी आपका क्रिकेट स्टेडियम आ गया है, यहाँ पे आप मैच वगैरह भी खेल सकते हैं। ये क्रिकेट स्टेडियम आ गया है यहाँ पे आपका। इसके साथ ही जी आगे आपका फैसल हिल्स का एग्जेक्टिव ब्लॉक। अगर फैसल हिल्स के ब्लॉक की बात करूँ तो इसके फोर ब्लॉक्स हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक है A, B and C। और प्लॉट्स की कटिंग की बात करूँ तो 5 मरला 10 मरला कनाल के यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग है। ये सारा इसका एग्जेक्टिव ब्लॉक है जो फुली डेवलप है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में आपको पोजेशन वाले प्लॉट्स मिलते हैं, जबकि A, B and C में कुछ जगहों पे आपको फाइल्स मिल जाती हैं, ऑल ड्यूज़ क्लियर भी फाइल्स मिलती हैं और पेंडिंग ड्यूज वाली भी आपको फाइल मिल जाती हैं। वो डिपेंड करता है फाइल का रेट जो है वो उस पर डिपेंड करता है आपके आपके कितनी इंस्टॉलमेंट पेड हैं और क्या सिस्टम सारा है, वो फाइल देख के ही आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसका सी ब्लॉक जो है वो आपका मोटरवे के साथ लिंक है, वो लिंक अभी बना नहीं है लेकिन उसने फ्यूचर में जो है वो लिंक कर जाएगा मोटरवे के साथ। दूसरा आपका जो B17 है उसका जो जी ब्लॉक है वो आपके सी ब्लॉक के साथ लिंक कर रहा है, तो वो भी मैं आपको भी लेके जाके दिखाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। वो तो काफ़ी अर्सा हो गया क्योंकि हम लेट आए हैं तो आपको विजिट नहीं करवा सके टाइम से, लेकिन वो रास्ता जो है वो बन चुका है जी। भाई अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो जी आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक है, साथ में आपकी मस्जिद बनी है और आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक वो आपका सारा फुली डेवलप है, पोजेशन वाली चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसी तरह भाई आपको जो मेन बुलेवार्ड दिखा दें, ये मेन बुलेवार्ड आगे आपका सेक्टर A, B, C की तरफ जाएगा, देन मेरे लेफ्ट साइड पे जो है आपका फुटबॉल ग्राउंड आ गया। ये आपका जो है फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे आप फुटबॉल के मैचेस वगैरह यहाँ पे आप खेल सकते हैं। तो ये आपका सारा सामने कमर्शियल एरिया है फैसल हिल्स का।
फैसल हिल्स जो है इसकी अगर ऑनर्स की बात करें तो फैसल हिल्स को ऑन करने वाले चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, जो इससे पहले फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, फैसल टाउन, फैसल रेजिडेंशिया, उसको भी वो जो है ऑन कर रहे हैं। और ये फैसल हिल्स भी जो है ये उन्हीं का हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये जो बुलेवार्ड है जिस पे ये डंपर आ रहा है इस वक्त, ये बुलेवार्ड आगे जाके आपका जीटी रोड के साथ जो है वो लिंक करेगा। फ्यूचर में गेट नंबर 2 जो है वो आपका जीटी रोड के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। इसी रोड को यूज़ करते हुए आप आगे सीधा मोटरवे को चले जाएंगे और इसी बुलेवार्ड को यूज़ करते हुए आप जीटी रोड को अप्रोच करेंगे। तो मेरे राइट साइड पे जो है सारा इसका कमर्शियल एरिया है, जहाँ आप इसका कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे देख सकते हैं। ये फैसल आर्च यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो चुकी है जी भाई, अगर आपको आग से दिखाएं तो वो भी यहाँ पे तकरीबन 70% जो है इसकी आग जो है वो कंप्लीट है, जबकि मेरे लेफ्ट साइड पे सारा इसका सेक्टर ए चल रहा है। राइट साइड पे भी सारा सेक्टर ए है, लेफ्ट साइड पे भी सारा सेक्टर ए है। सेंटर में जो सामने आपको 3-4 प्लाजे बने हुए नजर आ रहे हैं, ये फैसल हिल्स का मेन कमर्शियल एरिया है। ये फैसल हिल्स का मेन कमर्शियल है, यहाँ पे एक अंदर पार्क भी है और मेन कमर्शियल एरिया आपका सारा यहाँ पे आ गया। इसी बुलेवार्ड को यूज़ करते हुए आप आगे सेक्टर बी एंड देन सेक्टर सी को जो है अप्रोच करेंगे, उसके बाद आगे आप जीटी मोटरवे को जो है वो अप्रोच कर लेंगे। अगर आपने एक्सेस करना हो B17 की जी ब्लॉक को तो वो भी आप सी ब्लॉक से उसको जो है वो लिंक करेंगे। ये जो आप सारा देख रहे हैं भाई, अगर थोड़ा सा जूम करके ये एरिया सारा आपको दिखा दें तो ये आपका मेन कमर्शियल एरिया है फैसल हिल्स का, जबकि मेरे लेफ्ट साइड पे जो है जिसका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आ गए, जिसका भी रिसेंटली जो है वो इफ्तिताह हुआ है, ये आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है सारा। यहाँ पे रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स वगैरह आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये आपका आगे चौक है, अगर आपने फैसल हिल्स की पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसमें आपको ये रोड जो है वो इनकम्प्लीट मिलेगा, लेकिन अब ये आप रोड देख सकते हैं फुल्ली कम्प्लीट कारपेट रोड आपका जो है वो बन चुका है। तो मेरे लेफ्ट साइड पर सारा सेक्टर बी है और राइट साइड पे भी अगर आपको आगे जाके थोड़ा सा दिखाते हैं कि इसका सेक्टर बी जो है वो इधर नीचे जो आपका सारा है वो आपका सेक्टर सी है। ये मेन बुलेवार्ड जो है अभी फैसल हिल्स की मैनेजमेंट ने रिसेंटली इसको बनाया है, इसी को आगे यूज़ करते हुए हम सेक्टर सी में जाएंगे और देन आपके मोटरवे को जो है वो अप्रोच कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि फैसल हिल्स में जो है वो क्या रेट्स चल रहे हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो किस बेस पर यहाँ पर चल रही है। जी वो जिस तरह मैं आपको सेक्टर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ए का विजिट करवा के ला रहा हूँ जी, अगर सामने आप देखें तो जी आपका सेक्टर बी है। थोड़ा सा भाई अगर जूम करके दिखा दें तो ये घरों की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है। ये आपका मेन बुलेवार्ड जो है तकरीबन डाल दिया गया इन्होंने, अब यहाँ पे लुक वगैरह डालनी है। ये आगे बुलेवार्ड आपका आगे बंद हो जाएगा, यहाँ से जो है हम आपको सेक्टर सी की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। ये रास्ता जो है आपका सेक्टर सी की तरफ मूव करेगा। अभी आपको सेक्टर सी का विजिट करवाते हैं और जो B17 का जो रास्ता यहाँ से ओपन हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। जी वो इस वक्त मैं सेक्टर सी में आ गया हूँ। ये आपको अगर भाई थोड़ा सा नीचे लेके जाएं और जूम करके थोड़ा सा जी आपको एरिया दिखाएं तो ये आपका सारा जो है वो सेक्टर सी चल रहा है। ये नीचे सारा सेक्टर सी है, जो पोजेशन और नॉन पोजेशन दोनों यहाँ पे प्लॉट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर थोड़ा सा भाई आपको जूम करके उस तरफ दे के जाएं तो आपको मे भी थोड़ी सी शीशों के ऊपर शाइनिंग पड़ती हुई नज़र आ रही होगी, वो आपका मोटरवे चल रहा है। अभी आपको अगर थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊं तो जी आपको अगर शाइनिंग नज़र आ रही है तो जी आपके मोटरवे M1 मोटरवे है जो इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे यहाँ पे चल रहा है। तो जी आपका सारा फैसल हिल्स का सी ब्लॉक है जो अभी यहाँ पे डेवलपमेंट्स इसकी जो है वो चल रही हैं। मेन बुलेवार्ड ये सामने जो है इसका मेन बुलेवार्ड है ये वाला जो इन्होंने काट दिया, बाकी इसकी स्ट्रीट्स वगैरह की जो कटिंग है वो यहाँ पर चल रही है। ये नॉन पोजेशन एरिया है सारा, इसमें कुछ पोजेशन है और कुछ नॉन पोजेशन है। अभी हम इस रोड को यूज़ करेंगे और आपको ले के जाएंगे आगे फैसल B17 की तरफ, जो अभी इसके रास्ते खुल गए हैं सारे वो आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से भी जाके अप्रोच कर सकते हैं जी। बस इस वक्त जो है वो रास्ते जो है वो जो खुल गए हैं वो आपको दिखाने के लिए लाए हैं। ये चौधरी मोहम्मद सईद एवेन्यू आप देख सकते हैं फैसल हिल्स की सी ब्लॉक की तरफ जा रही है और इस तरफ चौधरी मोहम्मद सईद एवेन्यू जो है वो आपका B17 का जो जी ब्लॉक है जो रिसेंटली ये रास्ता ओपन हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। ये रिसेंटली रास्ता ओपन हुआ है, तकरीबन कोई 2-3 महीने यहाँ पे हो गए। देख सकते हैं इसके रास्ते जो है वो फुली जो है वो ओपन है, आप किसी टाइम भी यहाँ पे मूव इन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका यहाँ पे आपका मोटरवे चल रहा है मेरे राइट साइड पे। इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद आपको यहाँ पे मोटरवे का भी लिंक मिल जाएगा, आप मोटरवे को भी यहाँ से जो है वो अप्रोच कर लेंगे। वीडियो एक्चुअली जो थी वो फैसल हिल्स की थी, लेकिन क्योंकि ये रास्ता आपको दिखाना था कि ये B17 का आपने बोर्ड देखा, B17 का जी ब्लॉक जो है, हम अब उसके जी ब्लॉक में आ गए।
ये जी ब्लॉक का चौधरी मोहम्मद सईद एवेन्यू है जो आगे आपको जा रहा है। वो भाई अगर आपको दिखाएं तो ब्लॉक जी आपको लिखा हुआ जो है वो नजर भी आ रहा होगा कि ये फैसर हिल से आप आएंगे तो जी ब्लॉक में जो है वो एंटर होंगे। अगर भाई थोड़ा सा जूम करके आगे लेके चले जाएं तो आपको जो इसका एफ ब्लॉक है उसकी आबादी जो है वो आपको सारी जो है वो नजर आएगी। जी वो जिस तरह आज मैंने आपको फैसल हिल्स का विजिट करवाया, सारा मैं फैसल हिल्स का विजिट करवा के आपको लाया हूँ। इस वक्त मैं जो हूँ वो जी ब्लॉक में, ये आपका B17 का जी ब्लॉक है। अगर भाई थोड़ा सा जूम करके आपको लेके चले जाएं तो वो आपको ट्रैफिक नज़र आ रही होगी, वो आपका M1 मोटरवे चल रहा है सारा। इसके साथ साथ ही इंशाल्लाह फ्यूचर में यहाँ पे आपको इंटरचेंज मिल जाएगा जो आपको मोटरवे के साथ जो है वो लिंक करेगा, आपकी एक्सेस जो है वो अप्रोच ईजी हो जाएगी फैसल हिल्स और B17 के जी ब्लॉक की। तो जी आपको ओवरऑल आज सारे का विजिट करवाया। अगर प्राइसेस की बात करूँ जी ब्लॉक में सॉरी फैसल हिल्स में, तो 5 मरले का जो पोजेशन वाला प्लॉट्स है एग्जेक्टिव में, वो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 65-70 की ब्रैकेट में आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है रेडी टू कंस्ट्रक्शन। इसके साथ ही अगर 10 मरले की प्लॉट की बात करूँ तो वो आपको मिनिमम जो है वो 1 करोड़ रुपये है, जबकि मैक्सिमम की तरफ चले जाएं तो वो 140-145 में आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। इसी तरह कनाल की बात की जाए तो वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपये, 2.25 करोड़ रुपये की ब्रैकेट में रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्लॉट की जो प्राइसेज हैं वो मैंने आपको बताई। अगर फाइल्स की बात करूँ तो सी ब्लॉक में जो फाइल्स हैं वो डिपेंड करता है प्लॉट की फाइल्स के ऊपर कि कितनी उसकी ड्यूज क्लियर है और क्या सिस्टम है सारा, वो फाइल देख के पता लगेगा। वैसे जो ऑल टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड थी 5 मरले की वो 38 लाख समथिंग थी, ऑलमोस्ट 39 लाख रुपये आप कह लें। तो वो आपका सारा इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है जिसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर प्रॉफिट भी है और उसके जो ड्यूज वगैरह हैं वो आप पे करेंगे और प्रॉफिट वगैरह जो है वो पे करेंगे तो फाइल आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, सोसाइटी उसको जो है वो आपको प्लॉट देगी। तो ये आज आपको फैसल हिल्स का मैंने आपको ओवरऑल विजिट करवाया। थोड़ा सा अगर आपको मैं जी ब्लॉक की भी इंफॉर्मेशन दूँ सेक्टर जी में B17 की, तो यहाँ पे भी अगर 5 मरले के प्लॉट की बात करूँ तो वो भी आपको ऑलमोस्ट जो है 60-65 लाख में ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट जाएगा। जी अगर जी ब्लॉक की अगर थोड़ी सी मैं आपको बात करूँ तो भाई अगर आपको जो जी ब्लॉक का बुलेवार्ड दिखाएं तो जी ये जी ब्लॉक का जो है वो मेन बुलेवार्ड है और जो सामने जो सारी जो आपको लैंड नज़र आ रही है ये जी ब्लॉक की लैंड है। इसी तरह बैक साइड पर आप आ जाएँ तो जी आपको जी ब्लॉक का जो है वो मशीनें वगैरह काम करती हुई जो है वो नज़र आ रही होंगी। जी ब्लॉक में भी आपको जो प्लॉट के प्राइसेस की अगर बात करूँ जी ब्लॉक में मिनिमम जो प्लॉट है 5 मरले का वो ऑलमोस्ट 60-65 लाख में आपको फाइल मिलती है, ऑल ड्यूज क्लियर फाइल होगी वो आपको मिलेगी। उसके बाद आपको कुछ अर्से में यहाँ पे पोजेशन भी मिल जाएगा। तो जी आज आपको मैंने फैसल हिल्स का और जी ब्लॉक का एक छोटली सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फैसल हिल्स में या जी ब्लॉक में, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे व्लॉग जो हैं वो पसंद आते होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मिर्ज़ा रियाज़ को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।